हमारे डिस्ट्रिक्ट कठुआ में कोविड की सिचुएशन दिन ब दिन बेहतर हो रही है और अब हमारे डिस्ट्रिक्ट में रिकवरी रेट जो इम्प्रूव होकर वो तकरीबन 97% हो चुका है और उसके साथ ही आज की डेट में हमारे केवल 158 केसेज कठुआ डिस्ट्रिक्ट में एक्टिव हैं और पिछले एक हफ्ते में जो हमारे न्यू केसेस हैं उसमें भी लगातार कमी देखने को मिली है। हमारे डिस्ट्रिक्ट में वैक्सीनेशन जो है वो इम्प्रूव होकर 77% जो एलिजिबल कैटेगरी है उसमें 77% वैक्सीनेशन 45 प्लस एज ग्रुप में हो चुका है। इसके अलावा 18 से 45 एज ग्रुप में भी हमारे डिस्ट्रिक्ट में वैक्सीनेशन चल रहा है जिसमें हम प्रायोरिटी में पहले हमारे जो दुकानदार भाई, हमारे जर्नलिस्ट, हमारे टैक्सी ड्राइवर्स, इसके अलावा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो कि फ्रंट लाइन ड्यूटीज में इन्वॉल्व हैं जिसमें हमारे पीएचई डिपार्टमेंट, पीडीटी डिपार्टमेंट या और दूसरे महकमा जात, इसी तरीके से हमारे जो डेस्टिट्यूट वुमेन है या फिर जो विडोज हैं उनको प्रायोरिटी पर, जो हमारे डिसेबल्ड हैं उनको प्रायोरिटी पर पहले 18 से 45 वाले ग्रुप में वैक्सीनेट किया जा रहा है। और इसके साथ ही डिस्ट्रिक्ट में जो वैक्सीनेशन के लिए गांव-गांव जाकर भी कैंप लगाए जा रहे हैं और रूरल एरियाज में विलेज टू विलेज डोर टू डोर वैक्सीनेशन ड्राइव भी जो हमारे हार्ड टू रीच एरियाज हैं वहां पर चलाई जा रही है। मेरी सभी कठुआवासियों से, जिसमें हमारे स्पेसिफिकली हमारा जो बनी एरिया और बिलावर एरिया में जहां पर अभी वैक्सीनेशन रिलेटिवली कम हुआ है, वहां पर सभी लोगों से ये मेरा निवेदन है कि वो जल्द से जल्द वैक्सीनेशन करवाएं। जो भी एलिजिबल कैटेगरी में लोग हैं उनको जल्द से जल्द वैक्सीनेट कराएं। इसके साथ ही हमारे डिस्ट्रिक्ट में कोविड केयर सेंटर हमारे पंचायत लेवल पर सभी पंचायतों में स्टैब्लिश हो चुके हैं और वहां पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी हमारे काफी पंचायतों में पहुंच चुके हैं और बची हुई पंचायतों में भी जल्द ही ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पहुंचाए जा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि हम किस तरीके से मैक्सिमम रिलीफ लोगों को पहुंचा सके, उसके साथ ही आने वाले वक्त में केस ना बढ़े उसके लिए भी पूरी तैयारी की जा रही है। मेरी सभी कठुआवासियों से मेरा यह निवेदन है, क्योंकि अब हम अनलॉक के फेज में जा रहे हैं जहां पर कुछ रियायतें गवर्नमेंट की तरफ से दी गई हैं, पर उसके साथ साथ ही हमें यह भी समझना है कि अभी कोविड पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है और हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करना है। पिछले कुछ दिनों में